अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मध्य प्रदेश पटवारी सर जिंदाबाद जिंदाबाद, मध्य प्रदेश पटवारी सर जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मध्य प्रदेश पटवारी सर जिंदाबाद जिंदाबाद, मध्य प्रदेश पटवारी सर जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी सर जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। आवाज दो अमेर है, आवाज दो अमेर है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो अमेर है, आवाज दो अमेर है। एक सेकेंड सामने देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी सर जिंदाबाद जिंदाबाद, मध्य प्रदेश पटवारी सर जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आप सब लोग मिलके एक सार्वजनिक इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए साथियों, आज हम 32वें दिन मध्य प्रदेश के पटवारी, पूरे प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर है। आज बहुत दुख के साथ आप सब लोग को ये बताना पड़ रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश का पटवारी 32 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। 32 दिन होने के बाद भी सरकार की तरफ से हमारी मांगों के संबंध में कोई निराकरण नहीं किया गया है। आज मजबूरीवश पूरे प्रदेश मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश के 19,000 पटवारियों के साथ देवास जिले के भी समस्त पटवारी सशर्त इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बहुत दुख का विषय है कि एक ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला कर्मचारी, किसान, गरीब और मजदूर के बीच रात दिन मेहनत करके शासन की समस्त योजनाओं को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने वाले कर्मचारियों को आज अपनी मांग मनवाने के लिए, इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से, समस्त पत्रकार बंधुओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक अपने बात पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय महोदय, अब बहुत हुआ, 32 दिन हड़ताल के हो गए हैं। हमारा किसान परेशान हो रहा है, हमारा किसान से संबंधित जितने भी काम है, परेशानी उन लोगों को हो रही है और उनकी परेशानी को देखकर हमको बहुत तकलीफ हो रही है। आपसे निवेदन है कि आप किसान हित में, पटवारी हित में निर्णय ना लें, लेकिन किसानों की फजीहत, किसानों की परेशानियों को देखते हुए आप तुरंत निर्णय लें। हमारे 2800 ग्रेड पे के संबंध में जो मांग है, जो पिछले 15 साल से चली आ रही है, माननीय महोदय आपके द्वारा स्वयं खुले मंच से सनावत सम्मेलन में ये घोषणा की गई थी कि पटवारियों को 2800 ग्रेड पर मिलना चाहिए। हम आपकी स्वयं की मांग के संबंध में हड़ताल कर रहे हैं। पिछले 3-3 बार हमने हड़ताल करी, आपके द्वारा हर बार हमको आश्वासन दिया गया, लेकिन वो आश्वासन खाली गया। आज 4थी बार हम लोग हड़ताल करने के लिए मजबूर है। सामने चुनाव का समय है, लगभग 1 हफ्ते बाद आचरण संहिता लग जाएगी। आज ये परिस्थिति है कि हमारा किसान हमसे फोन लगाकर बोलता है कि पटवारी जी, आप तुरंत हड़ताल खत्म करें, हमारे काम करें। तो मजबूरी वश हमसे उनको बोलना पड़ता है कि मामा जी, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, शायद आप लोगों की बात सुन ले। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हमारी मांग के संबंध में आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात जाए और हम आज सशस्त्र इस्तीफा देने के लिए जो मजबूर हुए हैं, ये हमारी अंतिम लड़ाई है। इसके बाद हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इस्तीफे के बाद हम खुले मैदान में आएंगे। अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि या तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे या अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। पटवारी संघ के जो नेतृत्व है भोपाल, आप भोपाल मिले हैं? हाँ, क्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा पटवारी संघ का प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ प्रतिनिधिमंडल में मैं भी शामिल था। वहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा कि हम आपका भत्ते बढ़ा रहे हैं और आपके गेट पे हम नहीं दे सकते। जबकि आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पूछना चाहता हूँ कि भत्ते की मांग ना हमारी कभी थी और ना है। और जो भत्ते दिए गए हैं श्रीमान, आपके द्वारा वो भत्ते दिए गए हैं जो हमारे जो जरूरी भत्ते उसमें शामिल नहीं है।
वो ऐसे भत्ते हैं जिससे पटवारी का कोई लेना देना नहीं है। कृषि कार्य करने के लिए भत्ते भविष्य की योजनाओं के संबंध में दिए गए हैं, जो वर्तमान में हमारी भत्ते की मांग थी उसका उससे कोई संबंध नहीं है। यह इस प्रकार एक प्रकार से पटवारियों के साथ छलावा है, हमारे साथ इस प्रकार से भेदभावपूर्ण नीति करके सरकार जो काम कर रही है ये बहुत गलत है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारी बात सुन लीजिए। ये ग्राउंड लेवल के पटवारी है, ये आपसे पुनः निवेदन कर रहा है। आज 32 दिन हो गए हैं, 32 दिन हम टेंट पर बैठे हैं, ना आपके तरफ से कोई निर्णय लिया है, ना आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई मैसेज पहुँचाया गया है। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, हमारी बात मान जाइए। एक हफ्ता आचार संहिता का बचा है, ये तो आप जानते हैं। ये पटवारी किसान गरीब और मजदूर से जुड़ा हुआ कर्मचारी है। आचार संहिता लगने के बाद आपकी और हमारी बात हमेशा हमेशा अपनी खत्म हो जाएगी। फिर आपको ये पछताना पड़ेगा कि हमने पटवारी होकर मांग यदि मान लेते तो आज हमारी ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। भाई साहब, ये इस्तीफा देने के बाद भी आपकी हड़ताल जारी रहेगी या समाप्त नहीं? इस्तीफा हमारा, हमने इस्तीफा इसलिए दिया है, ये हमारे अंतिम वस्त्र, अंतिम हमारा शस्त्र है। इसके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि हम लोग अब इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। अब आपका किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार विघटनकारी नीति पटवारियों पर नहीं चलेगी। कितने पटवारी इस्तीफा दे रहे हैं आज? लगभग पूरे प्रदेश के मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर 19,000 पटवारियों के साथ देवास जिले के लगभग सभी 400 पटवारी इस्तीफा दे रहे हैं। आपका परिचय? धर्मेंद्र चौबे, जिला अध्यक्ष पटवारी संघ देवास, मध्य प्रदेश पटवारी संघ।